नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम से जुड़ा विवाद सामने आया तो नीरज चोपड़ा ने आगे आकर खुलकर अपना बयान दिया और कहा कि मेरा एक सिर्फ स्टेटमेंट था, मेरा सिर्फ एक कमेंट था, उसको गलत तरीके से ना पेश किया जाए, आप अपने एजेंडे के लिए मेरे कमेंट का नेगेटिव इस्तेमाल ना करें। और जब से नीरज चोपड़ा का ये बयान सामने आया है, न सिर्फ आम आदमी बल्कि सेलिब्रिटीज़ उनको सपोर्ट कर रही हैं। साक्षी मलिक हो, बजरंग पूनिया हो, जावेद अख्तर हो, सबका सपोर्ट नीरज चोपड़ा को मिल रहा है। आपको पूरा विवाद बाद में बताएंगे, उससे पहले आपको बता दें कि इस टिप्पणी पर मोहम्मद कैफ ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने बाकायदा एक पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने लिखा, नफरत के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए खेल का इस्तेमाल करने वालों का मुंह बंद करने के लिए धन्यवाद नीरज चोपड़ा। मैदान पर प्रतिद्वंदी भी दोस्त हो सकता है, उसकी राष्ट्रीयता मायने नहीं रखती। एक और स्वर्ण पदक दुनिया को ये याद दिलाने के लिए कि खेल जोड़ता है, बांटता नहीं है। मोहम्मद कैफ का ये रिप्लाई नीरज चोपड़ा के लिए आया तो निश्चित तौर पर तारीफ होनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने भी एक करने की बात की है, लेकिन यहां पर वो ट्रोल हो गए। लोगों ने उन्हें कहना शुरू किया कि पाकिस्तानी प्लेयर का किसी हिंदुस्तानी प्लेयर ने समर्थन किया तो आपको बड़ा पसंद आया कि खेल जोड़ने का काम करता है और हमें बांटना नहीं चाहिए, ये स्पोर्ट्स स्पिरिट है। लेकिन जब तमाम पाकिस्तानी प्लेयर्स भारत के खिलाड़ियों के बारे में या भारत के बारे में कुछ गलत बोलते हैं तब आपकी बोलती बंद हो जाती है। इसी को लेकर मोहम्मद कैफ की जमकर आलोचना हो रही है, किरकिरी हो रही है, लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, बाढ़ सी आ गई है। मतलब ये समझ लीजिए, लोग कह रहे हैं कि आपने बहुत निराश किया है, कभी सोचा नहीं था कि आप इस तरह से अपनी बात रखेंगे। अफरीदी या शोएब पर कभी आपने क्यों कोई ट्वीट नहीं किया, वो कुछ भी बोलते हैं तो आप कभी उनको लताड़ नहीं लगाते हैं, लेकिन भारतीय प्लेयर ने, भारतीय किसी खिलाड़ी ने अगर इस तरह का बयान दिया है जिसमें वो पाकिस्तानी प्लेयर का सपोर्ट कर रही हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगा। तो ये चीज़ गलत है, ऐसा लोग कह रहे हैं और मोहम्मद कैफ की क्लास लगा रही है। अब आपको वो पूरा विवाद भी बता देते हैं। दरअसल एक बयान में नीरज चोपड़ा ने बताया था कि जब उनका कॉम्पिटिशन होना था फाइनल, उससे पहले वो अपना जैवलिन ढूंढ रहे थे और उनका भाला पाकिस्तान के जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम के पास था, वो हाथ में भाला लेकर खड़े हुए थे। अरशद नदीम से नीरज चोपड़ा ने अपना भाला लिया और फिर अपने गेम को अंजाम दिया। अब लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि जानबूझकर अरशद नदीम ने ऐसा किया था और देखिए नीरज चोपड़ा ने कैसे उनको जवाब दिया, और इस तरह की बातें सामने आई और साथ ही साथ इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई थी। लेकिन इन सब पर नीरज चोपड़ा ने लगाम लगाते हुए कहा था कि आप मेरे कमेंट को गलत तरीके से पेश करके अपना एजेंडा ना चलाए। तो पूरी खबर आपने जान ली, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका क्या कहना है। जाते जाते आपको उस वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं जिसमें नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम का समर्थन किया।